दोस्तों, जियो की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 6 नंबर ऐसे रहेंगे जियो के 10 नंबर में से, जो 6 नंबर को आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जियो ये मौका दे रहा है आपको, क्योंकि जियो भैया उसका हिसाब ख़राब हो गया है बीएसएनएल की वजह से। इस तरह की अपडेट निकल के आ रही है। आपका फेवरेट नंबर कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि फ़ोन कब लॉन्च हुआ था, पता तो बताए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। 1869 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहली बार फ़ोन को ईजाद किया था, जो देखने में इस तरह का है जो आप देख सकते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा आप डेली यूज करते हैं। 54% लोगों ने कहा इंस्टाग्राम, 26% लोगों ने कहा क्रोम और 8% लोगों ने कहा इनकॉग्निटो मोड। अब इनकॉग्निटो मोड में आप क्या देखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इंस्टाग्राम की। ऐसा बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है उसको चेंज कर दिया गया है। तो आप अपडेट करिए, आपको देखने को मिलेगा। जैसे मेरा आप देख रहे हैं यहाँ पर टेकबॉक्स 01 हमारा आईडी है, तो इसको फॉलो कर लीजिए और देख लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो वहाँ पर भी हम डाल। अगली अपडेट आ रही है एज ऑफ अम्पायर। ये एक मोबाइल गेम है जो आने वाला है 17 अक्टूबर को। ये गूगल प्ले स्टोर में आ जाएगा और वहाँ से हम इसको खेल सकेंगे। वैसे एज ऑफ अम्पायर आपने पीसी में कभी खेला है कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है आईफोन 16 प्रो की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि डेजर्ट टाइटेनियम करके इसका बिल्ड क्वालिटी इस बार देखने को मिलेगा, जो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। वहीं बात करते हैं एप्पल का एयरपॉड 4 जनरेशन वाला। इसमें दो तरह का आएगा, एक लो बजट का और एक हाई बजट का। इस तरह की कुछ अपडेट है, मतलब हम जैसे लोग भी अब लो बजट वाला खरीद सकते हैं। वैसे हाई बजट वाला आप लेना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। वक्त आपका सवाल लेने का। रश्मित जी का सवाल है, सर फ्रंट कैमरे से फोटो क्लिक करने से इनहेंस होकर क्लियर फोटो नहीं आ रहा है। देखिए, एक महीना और आपको बर्दाश्त करना होगा इस तरह का प्रॉब्लम, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट जब आ जाएगा Realme 12 Pro Plus में तो फिक्स हो जाएगा। कोई भी ब्रांड जब अपना फ़ोन लॉन्च करता है उससे ऊपर वाला, तो प्रीवियस वाला का जो पहले वाला रहता है उसका कैमरा को सॉफ्टवेयर के थ्रू डाउनग्रेड कर देता है, ताकि पहले जो नया वाला है उसको बिके। तो इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, बहुत ही जल्दी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो इसको क्लियर ऑल डेटा करिए, फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, आपका ये फिक्स हो जाएगा। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi जो है 3 टीवी लॉन्च करने वाला है जो X Pro सीरीज़ में है, जिसमें से 43 इंच, 55 इंच और 65 इंच का होने वाला है। QLED 4K रेजोल्यूशन वाला टीवी होगा और साथ ही साथ ये जो है 27 अगस्त को लॉन्च होगा इंडिया में। इस तरह की कुछ अपडेट है, लेना चाहेंगे आप कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है Samsung का टैब S10 Plus। ऐसा बताया जा रहा है 3C सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है। ये जो टैब है आने वाला है Dimensity 9300 Plus वाला प्रोसेसर के साथ। आपको क्या लगता है इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है Samsung का S25 Ultra की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है 3C सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है। 5000 mAh की इसमें बैटरी देखने को मिलेगी, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है Samsung का A06। ये जो है लॉन्च हो गया है ग्लोबल और ऐसा बताया जा रहा है कि 10,649 रुपये लगभग इसका प्राइस बताया जा रहा है। इसमें मिलता है हीलियो का G35 का प्रोसेसर और कैमरा वगैरह जो है 50+2 का 8 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी और IPS पैनल। लेना चाहेंगे अगर 10,000 के रेंज में ये जो फ़ोन है एक 4G फ़ोन है, तो 10,000 मुझे लग रहा है कि महंगा है। आपको ऐसा कुछ लगता है कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है वीवो का X200 के तरफ से। इसका फर्स्ट लुक आ गया है, ऑफिशियल लुक जो आप देख सकते हैं, सर्कुलर डिज़ाइन पे आने वाला है, जैस कैमरा सेंसर के साथ। इस तरह की कुछ अपडेट है, जब आएगा तो सारी डिटेल देंगे। लेकिन वीवो का एक और फोन आने वाला है, वीवो का Y300 Pro। ये जो फोन है ये आने वाला है फ्लिपकार्ट में, बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। 1500 mAh की बैटरी होगी और ये जो है वीवो का अब तक का सबसे ज्यादा बैटरी देने वाला फोन बन जाएगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। वहीं वीवो का T3 Pro ये भी फ्लिपकार्ट में लॉन्च होने वाला है, इसकी भी लिस्टिंग हो गई है। लेकिन इसका जो डिस्प्ले होगा 4500 nits पीक ब्राइटनेस इसमें देखने को मिलेगा, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है iQOO 13 की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि इसका बैक पैनल जो होगा वो सेरेमिक होगा और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8th Generation 4 के साथ ये लॉन्च होगा, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है iQOO का Z9 Turbo Plus। ये फोन आने वाला है और ये 3C सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो डिस्प्ले होगा
144 हर्ट्ज के साथ आएगा, 6.8 इंच का इसमें कर्व डिस्प्ले होगा। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है वन प्लस का 13 सीरीज की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में ये फोन लॉन्च होगा इंडिया में। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है ओप्पो का A3 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसका प्राइस निकल के आया है 15,999। इसमें मिलता है डायमेंसिटी 6300 वाला प्रोसेसर। यहाँ पर जो कैमरा है 50+2 का, 32 का सेल्फी, 5000 mAh के बैटरी और फास्ट चार्जिंग। लेकिन इसमें जो पैनल है IPS पैनल दिया गया है, जो मुझे सही नहीं लगा 15,000 के रेंज में। आपको ऐसा कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है Asus का Zenfone 12 Ultra। ऐसा बताया जा रहा है कि 3C सर्टिफिकेशन और EMI डेटाबेस पे ये लीक हो गया है। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन ये जो फ़ोन है ऐसा बताया जा रहा है कि गेमिंग के लिए बेस्ट रहेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो लेना चाहेंगे आप कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म। उम्मीद है वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मॉर्निंग में एक जबरदस्त वीडियो आ रहा है, स्टे ट्यून करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।